सो भाई लोग हम आ चुके हैं एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। एंड दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में ना हम लोग कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप अपने फेस को एचडी में स्मूथ कैसे कर सकते हैं एंड अपने यहाँ पे हेयर वगैरह पे वाइल पेंट इफेक्ट कैसे दे सकते हैं एंड अपने बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से लाइटनिंग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे चलिए तो देखिए मैं एक और कलर दिया हूँ, और भी सारा मैं आपको कलर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ब्लैक टोन है और इधर भी है ना ये ऑरेंज टोन है। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कलर कलेक्शन किया है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप लोग एडिट कर लेना। इधर चलिए तो एक और यहाँ पे टोन आपको मिल जाएगा और लास्ट में चलते हैं तो एक और ब्लैक टोन मिल जाएगा। और इस वाले ब्लैक टोन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको पिंक कलर यहाँ पे मिक्स दिखाई दे रहा होगा हल्का सा रेड में, लेकिन इस वाले में ना बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कलर को मैं बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। एंड आपको एक चीज़ और बताऊंगा इस वीडियो में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कभी भी फोटो एडिट करते हैं ना या फिर अपने बैकग्राउंड को ग्रीन या फिर और भी कलर देते हैं ना, तो आपके आईज वगैरह में ना थोड़ा सा यहाँ पे कलर मिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे आईज में ना ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है और इधर मेरे वॉच पे भी दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे रिमूव किया, जैसे यहाँ पे जो कड़ा है ना इस पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले में देखिएगा तो ये बिल्कुल रिमूव है। तो ये सारी चीज़ मैंने कैसे किया, तो आप लोग इस वीडियो बने रहिएगा तब जाकर के आप एडिटिंग सीख पाइएगा। एंड चलिए हम अपने ओरिजिनल पिक की ओर चलते हैं। आप जरा मेरा ओरिजिनल पिक भी देख लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे गर्दन में देखिए तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे लाइट नहीं था। शाम के टाइम में मैंने इस फोटो को क्लिक किया था, लेकिन जब मैंने इस फोटो को एडिट किया ना तो फोटो मेरा कुछ इस तरीके से एडिट हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपने ओरिजिनल पिक को फटाफट से हम भेज लेते हैं लाइट रूम के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ लाइट रूम के अंदर और यहाँ पे मेरा फोटो जो है ना लाइट रूम के अंदर इनपुट हो चुका है। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लाइट पे जाएंगे और लाइट पे जाने के बाद हम शैडो को बढ़ाएंगे। ओके, अब शैडो को बढ़ाने से ना थोड़ा सा मेरे फेस पे ना यहाँ पे नीचे लाइट आ चुका है। ठीक है, हाईलाइट को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे और इधर एक ऑप्शन आता है ना, देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा और इधर बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इतना हम करेंगे। बाकी जो ब्लैक्स को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे अब कलर्स पे। कलर्स पे जाने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे टिंट कलर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इधर चलते हैं मिक्स टूल में और यहाँ पे ना इसको हम येलो करेंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको हम येलो ही करेंगे। येलो करने के बाद यहाँ पे जाएंगे फेस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फेस के कलर को हम बढ़ा लेंगे पूरा के पूरा। ठीक है, इतना हमको कर लेना है और ये हम इजीली कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे रेड पे जाएंगे और रेड वाले ऑप्शन के सेचुरेशन को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बाकी जो टोन है ब्लू वगैरह, इसको हम ह्यू सेचुरेशन दोनों को हम कम कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से हम डन करेंगे। दोस्तों डन करने के बाद फिर से क्लैरिटी पे जाएंगे और थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे डिटेल पे और शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पे ऑप्टिक्स का ऑप्शन है ना, यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है, ये इनेबल होना चाहिए। इतना होने के बाद अब आपको इस फोटो को फिर से सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से आएगा ना आपको लाइट रूम के अंदर ओपन करना है और थोड़ा सा प्रोसेस आपको और करना है। ओके, अब देखिए मेरा फोटो जो है ना यहाँ से हम क्या करेंगे, फटाफट सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम इसको ओपन करेंगे लाइट रूम के अंदर। सो यहाँ पे मेरा फोटो सेव हो चुका है और यहाँ से डन करेंगे और यहाँ से बैक आएंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने फोटो को डिलीट करेंगे और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके फिर से अपने फोटो को हम ऐड करेंगे। अब देखिए मैं दोबारा से क्यों किया ये आपको मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोटो जो है ना इनपुट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फोटो का क्वालिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है ना इनपुट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको वही प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ पे कलर पे जाना है और यहाँ पे मिक्स टूल पे जाना है और यहाँ पे ग्रीन वाले को ना अब आपको ग्रीन करना है। ठीक है, सेचुरेशन को बढ़ाना है और यहाँ पे ह्यू को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। बाकी येलो वाला ऑप्शन है ना, इसके ह्यू और सेचुरेशन दोनों को हम इंक्रीज करेंगे। तो ये मेरा ग्रीन टोन यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे डिफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बाद में रिमूव करेंगे, इसका आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, तो इतना हम कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद हम यहाँ से अपने फोटो को अब सेव कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेव नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपको। थोड़ा सा अपने फेस के कलर को भी आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ठीक है, तो इतना आपको मैनेज कर लेना है। अब आपको फोटो को सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद इस फोटो को हम ओपन करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर और वहाँ पे थोड़ा साइडेज वगैरह देंगे अपने फोटो में। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोटो जो है सेव हो चुका है। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से ओपन करेंगे स्नैपसीड के अंदर। ओके, स्नैपसीड के अंदर भाई मैं क्या करूँगा तो ये भी आप लोग देखते रहिए। तो सिंपली मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे टूल पे जाना है और सबसे पहले तो आपको सिलेक्टिव टूल लेना है और इस तरीका से आपको जहाँ भी चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा लाइट चाहिए ना, वहाँ पर हम लाइट दे देंगे। सो मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद फिर से आपको टूल पे जाना है, टर्न इमेज पे जाना है और नीचे एक ऑप्शन आता है इमेज, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डन करेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हमें क्या करना है ना, ये जो मेरा डिफेक्ट्स है ना, जो ग्रीन ग्रीन सा मतलब मेरे फेस पे आइज पे दिखाई रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए आपको सिंपली टूल पे जाना है, डबल एक्सपोजर पे टाइप करना है, यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके आपने जिस फोटो को पहली बार में लाइट रूम मोबाइल के अंदर एडिट किया था ना उसको ऐड कर लेना है और यहाँ से
इसके पूरे ऑपेसिटी को बढ़ाकर यहाँ पे राइट करना है और ऊपर एरो पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे जाना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे जाकर ब्रशेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब देखिए नियम थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको बहुत अच्छा बनाने को यहाँ से मैं सिखाया हूँ कि आप कैसे अपने फोटो बना सकते हो। और यहाँ पे 100 करना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रश को चलाना है तो ऑटोमेटिकली आपके फेस से ना जितना भी सारा यहाँ पे अदर जो कलर है ना ये रिमूव हो जाएगा, यानी आपका पहले वाला जो फोटो था ना सेम वैसे ही दिखेगा और ये रिमूव होते हुए आपको दिखाई देगा। मैंने कर दिया तो देखिए मैं डिफरेंट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मेरा रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से डायरेक्टली शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर, जहाँ पे हम अपने फेस को स्मूथ और थोड़ा सा गोरा करेंगे और बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे आपको बाकी प्रोसेस को करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर, ओके। तो मैंने रेड करी थी तो यहाँ पे लेयर पे जाना है और यहाँ पे एक ऐड लेयर लेना है और हमें रेड कलर जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें ब्रश कौन सा लेना है, ये वाला ब्रश चाहिए। और यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ओपेसिटी को फुल रखना है और ब्रश के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और सिंपली लेयर पे जाना है और नॉर्मल से ना इसको स्क्रीन कर देना है, ओके। स्क्रीन करने से ना आपका कलर कुछ इस तरीके से आपके शॉट पे आएगा। तो यहाँ पे आपको इजीली कर लेना है और बहुत बारीकी से करना है आपको फोटो को जूम करके अच्छा से। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड का स्क्रीन छोड़ के मल्टीप्लाई आप कर लो पहले, उसके बाद आप इसके ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज कर लेना जब आप पेंट कर लोगे। तो चलिए मैं इसको फटाफट कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो पूरा जो है ना पेंट कर दिया है। अब हम इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, वो हम कर देंगे स्क्रीन। क्या करेंगे, स्क्रीन करना है। अब देखिए स्क्रीन करने से ना फीका सा कलर दिख रहा है, बट इसको हम सही कर लेंगे बाद में चल के। अभी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने फेस को बनाएंगे। फेस को स्मूथ करने के लिए आपको पता है कि मैं ये वाला ब्रशेस यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आपको चले जाना है 8 पे, ठीक है, और इधर आपको लेना है 5। अब देखिए 5 और 8 का कम्बिनेशन करना है और ब्रश के साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है, इतना आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद अपने फेस पे ना कुछ इस तरीके, देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और अपने लेयर पे क्लिक करना है अपने फोटो पे। अब आपका फेस यहाँ से इजीली स्मूथ होगा। अब आपको ये कुछ इस तरीके से स्मूथ करना है और देखिए कुछ इस तरीके से राउंड राउंड सा करके ना अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। सो गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद ना हमारा फेस कुछ इस तरीके से बन गया है, बट हमारे फेस पे ना अभी भी यहाँ पे ब्रशेस का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ब्रशेस का चिन्ह है ना यहाँ पे देखिए पूरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसको हम कैसे परफेक्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश पे जाना है और यहाँ पे स्ट्रेंथ को और फॉलो को हमें 2 रखना है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, 2 रख लेना है और ब्रश के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और दोबारा से अपने फेस पे ना जहाँ जहाँ भी ब्रश का साइन है ना वहाँ पे बार बार ऐसे चलाना है। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ देखना होता है कि आपका जो फेस है ना फेस कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हॉरिजेंटल है मतलब, तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल में ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे दोबारा से अपने ब्रश को चलाइएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइन है ना यहाँ से रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ से बहुत सारा साइन मेरा रिमूव हो चुका है। अब चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ और फटाफट से कर ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, हालाँकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी। तो गाइस यहाँ पे अब जा करके मेरा फेस जो है स्मूथ हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपने फेस को गोरा करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे एक और लेयर लेंगे और यहाँ पे कलर पे जाएंगे और सीधा मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे और जो वाइट मेरा कलर है यहाँ से हम एडजस्टमेंट जो है ना कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वाइट करने के बाद ये कट गया, वाइट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, लेयर पे जाना है और यहाँ पे ना सॉफ्ट लाइट आपको करना है और उसके बाद ब्रश आपको यहीं ब्रश लेना है और कुछ इस तरीके से जूम करना है और ऐसे अपने पेंट पे अपने फेस पे ना इसको पेंट करना है। देखिए मैं कैसे पेंट कर रहा हूँ। तो अपने आईब्रो को छोड़ना है और दाढ़ी को भी छोड़ देना है और कुछ इस तरीके से पेंट करना है। सो यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऑपेसिटी को थोड़ा सा हम कम करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इस तरीके से हमें दोबारा से यहाँ पे चलाना होगा ताकि ये फ़ोटो मेरा रियलिस्टिक बन गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना आपको करना है। अब आपका मेन जो काम है ना वो है कि अब ऑपेसिटी को थोड़ा हम कम करेंगे क्योंकि ओवर एक्सपोज दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम कम करेंगे, इतना रखेंगे, बाकी जो है वो बाद में मैं देख लूँगा। तो इतना कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ से इस फोटो को ना स्नैपशीट के अंदर भेजना है, ठीक है। स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या करना है कि इस फोटो को भेजना है, वहाँ पे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं।
सो देखिए यहाँ पे मैंने स्नैपशीट ऐप के अंदर अपने फोटो को भेज लिया। अब यहाँ पे हम अपने फोटो को बिल्कुल HD क्वालिटी में बनाएंगे। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले टूल पे जाना है और यहाँ पे ना आपको सिलेक्टिव टूल के हेल्प से ना इसको थोड़ा सा हम सैचुरेशन इसका बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट और सैचुरेशन को हम बढ़ाएंगे ताकि ये मतलब ये थोड़ा सा डार्क दिखे, कंट्रास्ट और सैचुरेशन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मेरे फेस पे भी आ गया, तो हम सिंपली अपने फेस को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते हुए जाएंगे और यहाँ से सैचुरेशन को हम कम कर लेंगे इतना मैच करवा करके, ठीक है। तो आपको ये काम जो है ना कर लेना है इजीली इस तरीके से आपको। तो चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करके फटाफट से कर रहा हूँ। सो इसको मैंने कर लिया, उसके बाद हम टूल पे जाएंगे और यहाँ पे टोटल कंट्रास्ट जो है ना इसको हम करेंगे पूरा फुल, ठीक है। मीडियम टोन को भी फुल करेंगे और लो टोन को भी हमें फुल कर लेना है। और यहाँ से हम राइट करेंगे, राइट करने के बाद ऊपर एरो पे जाएंगे, व्यू एडिट्स पे जाएंगे और फिर से ब्रशेज वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना हम रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है ना मतलब ये जो शॉट वगैरह है ना ये थोड़ा सा HD में दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फोटो को मतलब यहाँ से डाउन करके सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको ओपन करना है आफ्टर फोकस एप्लीकेशन, जहाँ पे हम बैकग्राउंड को एक क्लिक में ब्लर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फोटो जो है ना सेव हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे मिलता है आफ्टर फोकस एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आपको ओपन करना है, एल्बम पर जाना है और जिस फोटो को आपने अभी अभी स्नैपशीट में सेव किया ना तो इसको हम ओपन करेंगे और इस तरीके से ड्रा करेंगे। हालांकि इस पर वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर, और भी मैंने मतलब वीडियो इस पर बहुत सारा बनाया है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन पर जाना है, इसको अनटिक करना है और थोड़ा सा जूम करना है और फिर से इसको सिलेक्शन बनाना है बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है। और सिलेक्शन जितना बेस्ट रहेगा आपका बैकग्राउंड उतना बेस्ट यहाँ से ब्लर होकर के आएगा, ठीक है। तो ये काम आपको बहुत ही बारीकी से करना होगा क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर किया ना तो आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, मतलब बेस्ट नहीं दिखेगा, तो बेकार सा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से आपको नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको डिसलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ना आपको इस तरीके से लाइनिंग कर देना है ताकि अब इसके मतलब बाद ना यहाँ पे आपका सिलेक्शन ना बने, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है और इसको आप सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ना ब्लर होता है, यहाँ पर भी है तो इसको भी मैं कर ले रहा हूँ। तो देखिए इधर नहीं आए, इसको मैं इस तरीके से सिलेक्शन बना लूँगा और ऐसे हमें एक बार ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है ना ब्लर हो जाएगा, तो इतना हमें रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ से ना अपने फ़ोटो को ना सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस फोटो को हम ओपन करेंगे टूल वाइज एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे हम थोड़ा सा वाइल पेंट इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मेरा फोटो जो है ना सेव हो चुका है। अब हम सेव हो मेरा फोटो जो सेव हुआ है उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मेरा फोटो का बैकग्राउंड कितना अच्छा ब्लर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसे टूल वाइज के अंदर भेजेंगे, ठीक है। टूल वाइज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करना है, बस सिंपल है। आपको इफेक्ट पे जाना है, सॉफ्ट स्मज पे जाना है और थर्ड नंबर वाला आपको सेकंड या थर्ड नंबर वाला आप सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मास्क पे जाना है और सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देना है, सॉरी यहाँ पे क्लीन कर देना है। पहले क्लीन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे जाना है और जहाँ जहाँ भी आपको ऑयल पेंट इफेक्ट चाहिए, जैसे अपने कैप पे चाहिए तो कैप पे दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आपको दे देना है। थोड़ा सा यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी पे चाहिए तो इसको मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स वगैरह पे चाहिए तो वहाँ पे भी हम दे दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हम राइट करेंगे, राइट करने के बाद बस मेरा इतना ही काम था और यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। अब देखिए ये जो है ना ग्रीन कलर है और आपको और भी कलर चाहिए जैसे कि येलो वगैरह जो भी कलर था मैंने दिखाया था, तो आप सिंपली इसे लाइटरूम वाइल के अंदर जा करके आप अदर मतलब यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना, आपको कैसे मतलब अलग कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे लाइटरूम के अंदर और बस वहाँ पे कलर का कम्बिनेशन थोड़ा बहुत आपको कर लेना है। वो आप कैसे करना है वो आप भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई भी कर सकता है। जो अभी नया नया लाइटरूम यूज़ कर रहा है वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको तो मैं पहले डिलीट कर दे रहा हूँ और जिस फोटो को मैंने ऐड किया उसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद हम सीधा कलर पे जाएंगे, हमें दूसरे टूल से कोई मतलब नहीं है, कलर पे जाएंगे और यहाँ पे हम येलो कर ले रहे हैं, देखिए। तो ये मेरा जो है ना येलो हो गया। इसको सेव करके दोबारा से ओपन करेंगे और सॉरी या फिर यहाँ से भी आप देखिए कलर जो है ना चेंज कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक करना चाहते हैं तो ह्यू सैचुरेशन दोनों को ब्लैक करेंगे, यहाँ से देखिए इसके सैचुरेशन को ब्लैक करेंगे तो ये ब्लैक टोन आ गया। तो आप इजीली यहाँ से बहुत सारा कलर दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इतना कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे जाकर के यहाँ से क्लैरिटी को हम थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, किसको यहाँ पे जो क्लैरिटी है ना इसको हम बढ़ाएंगे,
ताकि मेरा फोटो में क्लियरिटी ऐड हो जाए, जो कि जिससे मेरा फोटो ना बिल्कुल एचडी में दिखे। तो देखिए काफ़ी अच्छा मेरा फोटो बन चुका है। तो दोस्तों मिलता है अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना